गर्मियों में अगर बात हो वाटरप्रूफ मेकअप की, तब तो भाई देखने का मज़ा ही अलग होता है कि नहीं। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अंडर 100 रुपीज़ में वाटरप्रूफ मेकअप HD लुक के साथ। जैसा आप मेरा लुक देख रहे हो, ये अंडर 100 रुपीज़ में है और ये लुक आप खुद से कर सकते हो। अगर आपकी इंगेजमेंट हो, आप ज़्यादा पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते हो मेकअप के लिए, तो ये बहुत ही सस्ते मध्य वाले मेकअप है, वाटरप्रूफ है, इंगेजमेंट मेकअप है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो को फिल कर लिया था मैंने काजल पेंसिल से, और यहाँ पे मैंने NYB का कंसीलर प्लस फाउंडेशन स्टिक लिया है। ये आपको 100 रुपीज़ समथिंग की मिल जाएगी। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में नहीं मिलेगी। जब आपकी इंगेजमेंट होगी या फिर किसी को आपको तैयार करना है, तब आप ये लुक करिएगा, और लॉकडाउन के बाद इसे लेना ना भूलिएगा। यहाँ पर मैंने जो है मरून कलर का शेड लिया है, और ये वही पैलेट है जो मैंने ठेला मेकअप चैलेंज से लिया था, है ना, वही वाली है ये। 75 रुपीज़ के लिए था, लेकिन क्या अमेजिंग पैलेट निकल आई ये। तो आप देख सकते हैं क्रीज लाइन पे मैंने इस तरीके से अप्लाई कर लिया मरून शेड, इसको ब्लेंड कर लिया। ये NYB का कंसीलर मेरा टूट चुका है, ख़त्म भी हो चुका है, तो लॉकडाउन खुले तो मैंने सबसे पहले अपना कंसीलर मंगाऊँगी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो बचा कुचा है उसी से मैं काम चला रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी हाफ कट क्रीज इस तरीके से कट कर लिया है, आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से आपको कट करना है, उसके बाद इसे कॉम्पैक्ट करने से सेट कर लेना। मैंने यहाँ पे येलो कलर का शेड लिया है सेम पैलेट की हेल्प से, और अपने इनर कॉर्नर पे पहले इस तरीके से अप्लाई करूँगी, एक छोटा ब्रश लेके, बड़ा ब्रश ना लेके। उसके बाद ये ऑरेंज कलर का शेड लेके मैंने यहाँ पे अपने जो बीच का एरिया बचा हुआ था वहाँ पर अप्लाई किया, और ऑरेंज शेड थोड़ा पिगमेंट टेशन कम थी इसलिए मुझे 4 से 5 स्ट्रोक लगाना पड़ा। वो ऑफ कैमरा मैंने लगा लिया था स्ट्रोक, लेकिन आप जो हो इसके ऊपर लगाते रहो तो आपका डिज़ायर कलर आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का हो गया। उसके बाद पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं अपने एजेस को क्लीन कर रही थी, मतलब कि एजेस को हटा रही थी। उसके बाद फिर से मैंने डार्क मरून कलर लिया है और जो ऑरेंज कलर के एजेस है उसको हटा रही थी, मतलब जो लाइन पड़ जाती है बीच में उसको हटा रही थी। और अभी मैंने यहाँ पे ग्लिटर लाइनर लिया है, ये जो है लोकल मार्केट से मैंने लिया था, मुझे याद भी नहीं, 40-50 रुपीज़ समथिंग का था। तो वहाँ पे जहाँ पे मेरी हाफ कट क्रीज थी वहाँ तक मैंने वाइट सिल्वर कलर का लगा लिया। अभी ब्राउन कलर का शेड लेकर अपने जो है आई लाइनर सा लुक देते हैं ना, हल्का सा स्मोकी ब्राउन आई लाइनर का लुक मैं दे रही हूँ यहाँ पर, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आ जाएगा। गाइस आप देख सकते हो कितना अमेजिंग आई मेकअप लग रहा है ना। मैंने यहाँ पे फॉल्स आईलैशेस अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इनर कॉर्नर को फिल किया है। मैंने यहाँ पे लाइनर नहीं अप्लाई किया, सिर्फ अपने इनर कॉर्नर को फिल किया ताकि गैपिंग ना लगे, और बहुत ही हल्का सा मैंने जो है आगे की तरफ बढ़ा दिया। उसके बाद फेस मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे बायोटेक की मॉइस्चराइजिंग क्रीम लिया है, काफ़ी अच्छी क्रीम लगती है मुझे क्योंकि मेरी स्किन एक्स्ट्रा वाली ड्राई है, इसलिए मैंने यहाँ पे NYB की क्रीम लिया है, NYB का मैंने यहाँ पे प्राइमर लिया है, और आप देख सकते हो कितना स्मूथ चल रहा है। ये भी मुझे 100 रुपीज़ समथिंग का मिलता है पर्पल पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे MN का फाउंडेशन लिया है, ये वाटरप्रूफ है, आपको बहुत ही अच्छी सैटन सी फिनिश देता है, ये वेलवेटी टच पे फिनिश देता है, इसलिए मुझे ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा लगता है। हाई कवरेज भी होता है ये और काफ़ी अच्छा होता है। 100 रुपीज़ का मुझे मिला था, तो हो सकता है अभी थोड़ा प्राइस बढ़ा हो, 120 हो, लेकिन मुझे 100 रुपीज़ का मिला था। और इस तरीके से मैंने इसको जो है अच्छे से सेट कर लिया है अपने पूरे फेस पे। आप देख सकते हो कि मेरा बेस कितना ज़्यादा मतलब फ्लॉलेस लग रहा है। तो आप पहले ब्रश से अप्लाई करिए, उसके बाद जो है स्पॉन्ज की हेल्प से अप्लाई करिए, तो आपका एयर ब्रश टाइप का लुक देता है ये।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने NYP का कंसीलर स्टिक लगाया था, ये भी 100 रुपीज़ की ही मिल जाएगी आपको। उसके बाद इसको सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे NYP का कॉम्पैक्ट लिया है और ये भी आपको 110 या 100 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर से मैंने NYP की रनवे से लिया है ये कॉन्टोरिंग स्टिक, ये भी आपको 110 या फिर 100 रुपीज़ समथिंग की मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपने पूरा फेस जो है कॉन्टोर कर लिया और यहाँ पे मैं अपनी नन से बात कर रही थी और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है अच्छे से अपने फेस को जो है कॉन्टोर कर लिया स्पॉन्ज की हेल्प से। तो हमेशा आप गर्मियों में क्रीम कॉन्टोर भी करें या फिर आप जो है पाउडर का भी यूज़ करें, वैसे मैं दोनों करना प्रिफर करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है NYB की लिपस्टिक लिया है और उसी से मैंने अपना ब्लश लगाया, बहुत ही प्यारा सा पिंकिश सा लुक दिया था लेकिन कम लग रहा था इसलिए मैंने दोबारा फिर से उसके ऊपर अप्लाई कर लिया था और आप देख सकते हो कितना अच्छा सा ब्लश लग गया। उसके बाद हाईलाइटर के लिए सेम पैलेट की हेल्प से मैंने सिल्वर कलर का लिया, उसके बाद उसी से मैं हाईलाइटर भी अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो यार 100 रुपीज़ क्या लोगे यार, बच्चे की जान लोगे क्या, लेकिन फिर भी कितना अच्छा लुक आया है आप ये देख सकते हो। उसके बाद फिर से मैंने ब्राउन सॉरी मरून कलर का शेड लेकर अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लिया है और उसके बाद येलो कलर का शेड लेकर अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी, इनर कॉर्नर के आईलैशेस पे अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लैक्मी का जो है मस्कारा यूज किया, ये डुप्लीकेट वाला था, 100 रुपये का मुझे मिल गया था। उसके बाद जो है आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने NYB का जो है वाइट पेंसिल लिया है और इसको वाटर लाइन पर अप्लाई कर लिया है और वाटर लाइन पर मस्कारा भी अप्लाई कर लीजिएगा। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेमानी कर ली क्योंकि लॉकडाउन होता ना तो फिर मैं 100 रुपये की ही लिपस्टिक लेती, बट यहाँ पे मैंने पर्पल की लिप क्रॉन लिया है, बहुत ही प्यारा शेड है, आपको लिंक मिल जाए, लिंक बोल रही हूँ शेड नेम मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद NYB का मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, आप लोग जानते हो कि मैं NYB का ही सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ 100 रुपीज़ मेकअप चैलेंज में। सो या गाइस ये मेरा फाइनल लुक, आप इसमें मांग टीका भी लगा सकते हो बट मेरा मांग टीका मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने नहीं लगाया। अगर आपके पास है इंगेजमेंट लुक ऐसा कुछ करने वाले हो तो आप मांग टीका भी लगा सकते हो। और ये लहंगा मुझे मेरा फेवरेट लहंगा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो आई होप अच्छा लगे। बाय बाय, लव यू।